subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मैं इस साल उज्बेकिस्तान की यात्रा के लिए उत्सुक था. कोविड 19 महामारी की वजह से मेरी यात्रा तो नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर के इस काल में हम आज वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं. एक्सलेंसी, भारत और उज्बेकिस्तान दो समृद्ध सभ्यताएं हैं. हमारे प्राचीन समय से ही निरंतर आपसी संपर्क रहे हैं. हमारे क्षेत्र की चुनौतियां और अवसरों के बारे में हमारी समझ और अप्रोच में बहुत समानता है, और इसलिए हमारे संबंध हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं. 2018 और 2019 में आपकी भारत यात्राओं के दौरान हमें कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला, जिससे हमारे संबंधों में एक नई गति देखने को मिली. एक्सलेंसी, उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं. हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं. क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है. हम सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई, स्वामित्व और नियंत्रण में हो. पिछले दो दशकों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है. भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की पहल ली थी. इसकी शुरुआत पिछले वर्ष समरकंद से हुई थी. एक्सलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है. हम उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को भी और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं. मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है. आपकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है. हमारे बीच कृषि संबंध जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है. इससे हम अपने कृषि व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोज सकते हैं, जिससे दोनों देशों के किसानों को मदद मिलेगी. एक्सलेंसी, हमारी सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही है. पिछले वर्ष हमारे सशस्त्र बलों का सबसे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ. स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्रों में भी हमारे संयुक्त प्रयास बढ़ रहे हैं. यह भी संतोष का विषय है कि कोविड 19 महामारी के इस कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है. चाहे दवाइयों की आपूर्ति के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लौटाने के लिए, हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. गुजरात और अंदिजों की सफल भागीदारी के मॉडल पर अब हरियाणा और फरगाना के बीच सहयोग की रूपरेखा बन रही है. एक्सलेंसी,
आपके नेतृत्व में उज्बेकिस्तान में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं और भारत में भी हम रिफॉर्म्स के मार्ग पर अड़ीग हैं। इससे पोस्ट कोविड काल में हमारे बीच आपसी सहयोग की संभावनाएं और बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा में और इस चर्चा से इस प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं अब आपको आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए आमंत्रित करता हूं।